रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना प्रेयर कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट द क्लास। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांसें लें, तीन बार लंबी गहरी सांस लें, उच्चारण, और उसके बाद हम हमारी प्रेयर को स्टार्ट करेंगे और फिर हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। तीन बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओ ॐ भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ चलिए आप सभी लोग मास्टर्स हैं, सभी लोगों ने रेकी मास्टर्स कोर्स किया हुआ है, लेवल 3 डाइकोमियो का अटेनमेंट आप सभी को है। यस मैम। ये हमारी मदर क्वाइन एन जी हैं, आज हम थोड़ा सा पहले इसका हिस्ट्री जानेंगे कि मैग्निफाइड हीलिंग की हिस्ट्री क्या है। मदर क्वाइन, हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था अभी शायद से। नमस्कार मैडम। चलिए मदर क्वाइन एम कौन है? मदर क्वाइन एम एक, हमने जैसे पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि एक बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म से आया हुआ है। इनको हम देवी तारा माँ के नाम से भी जानते हैं।
और इनको हिंदी में जो हमारे हिंदू उसके अंदर इनको नाम दिया गया है वो पार्वती जी का नाम दिया गया है। और ये भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जब यशोदा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया था, तो वो जब उनको कंस मारने आया था तो वो हवा में उछल गई थी और उन्होंने उनको बोला था कि तुझे मारने वाला आ गया है। उनके साथ भी इनको संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो अभी लेकिन अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो ये आपको यही मिलेगा आपको सब जगह पर कि ये गॉडेस ये चाइना बुद्धिज्म से आया हुआ है। तो इसलिए अभी तक इन चीजों के ऊपर कंफ्यूजन चल रही हैं कि अभी तक ये पता कि एग्जैक्ट में क्या है, लेकिन हाँ हम इनको माँ तारा के नाम से जाना जाता है। ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ, येलो तारा माँ, ऐसे बहुत सारे आप अगर इनके बारे में सर्च करेंगे तो इनको बहुत सारे रूपों में इनकी पूजा की जाती है और इनको मैनिफेस्ट करने के लिए इनको पूजा जाता है। चाइना में इनके बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, वहां पर इनको इनकी बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है, ठीक है। 1980 के दशक में जो ये क्वाइन इन अमेरिका में दो रेकी मास्टर्स थे, कैथरीन एंड्रंस एंड गिसेले किंग, इनको वो ध्यान में दिखाई दी थी और उन्होंने उनको जब वो अपनी मेडिटेशन जब वो ध्यान में बैठे थे तभी वो उनके सपने में आई, या उनके जो ध्यान जब वो कर रही थी तो उनको ध्यान में ये आई मदद क्वाइन इन, और इनको वहां पर उन्होंने अटूनमेंट्स दिए, ध्यान में ही उनको अटूनमेंट दिया उन्होंने, जिसके कारण क्या है कि जो इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही शक्तिशाली, जैसे हम लोग अभी करुणा रेखी वहां पर भी हम यूज करते हैं, हम वॉयलेट फ्लेम रेखी में भी यूज करते हैं और हम मैग्निफाइड हीलिंग में भी इसको यूज करते हैं। ये जितने भी हमारे जो कोर्सेज हैं ये सारे जो हैं हमारे रेकी के, जो हम रेकी करते हैं रेकी से जो हमारे एडवांस वर्जन जो हम कोर्सेज होते हैं वो ये सारे हमारे कोर्सेज होते हैं। तो इनके जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर रेकी के जो सिंबल है उसे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली, जो इनकी सिंबल्स की जो एनर्जी है वो उसे 1000 गुना शक्तिशाली एनर्जी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप मास्टर्स हैं तो आप इसे करें, क्योंकि अगर आप मास्टर्स हैं तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे अटूनमेंट्स लिए हुए हैं, आपके शक्तिपात हुआ हुआ है। डाइकोमियो जैसे हम बोलते हैं चौकोरे डाइकोमियो जो हम रेकी में हम यूज करते हैं इन दो सिंबल्स को सबसे ज्यादा, तो चौकोरे को हम जैसे यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक नाइफ, और मैग्निफाइड हीलिंग को ओ सॉरी डाइकोमियो को हम बोलते हैं एक तलवार। चौकोरे को हम हमेशा यूज करते हैं, हर छोटी छोटी कोई भी बात हो हम हमेशा यूज करते हैं, लेकिन जब हमें कोई बड़ी बड़ी हीलिंग यूज करनी होती है तो हम डाइकोमियो करते हैं, बिकॉज डाइकोमियो की जो एनर्जी है वो हायर एनर्जी है। अब लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोग हर जगह पे डाइकोमियो को भी यूज कर लेते हैं, चौकड़े को भी यूज कर लेते हैं, जो कि सही नहीं होता, ठीक है। चलिए ये तो खैर इस चीज का टॉपिक नहीं था, ये जब बात आई तो मैंने आपके सामने ये बात रखी। तो डाइकोमियो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। जब हम उसका हमारा शक्तिपात हो जाता है, जब हमारी उसकी अटूनमेंट हो जाती है और जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने चक्रास के ऊपर जब हम काम करते हैं, हर एक सिंबल को हम हमारे चक्रास के ऊपर स्थापित करते हैं, जब हम उसके ऊपर काम करते हैं उसके बाद हम ऑटोमेटिकली हम उससे अट्यून हमको मिल जाती है उसकी अटूनमेंट, और हम उसको रेगुलर मेडिटेशन के द्वारा उनके साथ हम अपने कनेक्शन को और अच्छा मजबूत बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम जितने उसके साथ हम मेडिटेशन करते हैं वैसे वैसे वो सिंबल और हमारी बॉडी में उसकी जो एनर्जीज होती हैं वो हमारी बॉडी में आती जाती हैं और हमारी बॉडी हील होती जाती है और हमारी बॉडी भी एनर्जेटिक होती जाती है। उसी प्रकार जब हम मैग्निफाइड हीलिंग को करते हैं, जैसा मैंने बोला कि इसके जो सिंबल्स हैं वो जो हम ट्रेडिशनल रेकी जो हमने सीखा है उससे 1000 गुना अधिक इनकी एनर्जी होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले आप लोग हीलिंग करें, पूरा हीलिंग सीखें रेकी को और उसके बाद इसको करें।
लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये लोग डायरेक्ट भी सीखते हैं। अब जो हमारे पास आते हैं ना फेसेस वन, फेसेस टू, फेसेस थ्री, फेसेस फोर, जो अधिकतर आजकल आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, मैग्निफाइड हीलिंग के चार फेसेस के रूप में आपको वो डिवाइड करके बताई गई। तो वहां पर वो लोग किसी भी प्रकार का सिंबल को यूज नहीं करते हैं, वहां पे वो लोग वायलेट फ्लेम के जरिए और बहुत सारी इस तरीके की हीलिंग टेक्निक्स के जरिए मैग्निफाइड हीलिंग को यूज करते हैं। वो जितनी भी फेसेस बनाए गए हैं वो भी अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन वो सारे एक क्रिएशन है। जब हम लोग मास्टर्स या ग्रैंड मास्टर्स जब हम बन जाते हैं तो हम अपनी खुद की क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, तो वो अपनी खुद की क्रिएटिविटी है। जिन्होंने भी वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया है वो उन लोगों की अपनी खुद की क्रिएटिविटी है। लेकिन जो हम यहाँ पे सीखेंगे ये हम प्रॉपर जो एक ट्रेडिशनल मैग्निफाइड हीलिंग है, जिसको एक अभी भी जो बौद्धिज्म, अगर आप उस तरफ जाते हैं जहां पर लोग इसको यूज करते हैं, अभी भी एट प्रेजेंट टाइम में भी इन सिंबल्स को यूज करके वहां पर हीलिंग्स की जाती हैं। ठीक है, तो हम प्रॉपर ट्रेडिशनल सीखेंगे जो एग्जैक्ट में जो है, जो मदर क्वाइन इनके ने इन रेकी मास्टर्स को दी थी ध्यान के अंतर्गत। ठीक है, मैग्निफाइड हीलिंग बहुत ही पावरफुल हमारे मानसिक स्तर पे और हमारी भावात्मक स्तर पर काम करती है, हमारे इमोशंस पे काम करती है, हमारे मेंटल लेवल पर काम करती है, जिसके कारण हम जो भी हम कोई भी बीमारी का जैसे हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं या हम ट्रीटमेंट्स करते हैं उसमें हमको बहुत ज्यादा जल्दी फर्क पड़ता है, क्योंकि हर बीमारी हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती है। सबको मालूम है कि हर बीमारी हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा जल्दी काम करती है। इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1983 से, इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 1992 में इसको, जब ये 1983 में आया था तब इसको सब लोग यूज नहीं करते थे। 1983 के बाद जब ये उन्होंने उसका शक्तिपात हुआ था, तो शक्तिपात होने के बाद ये केवल जो लोग सन्यासी होते थे, जो लोग गृहस्थ जीवन को छोड़ के आश्रमों में चले जाते थे, वो लोग इसको यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे 1992 के बाद से ये नॉर्मल लोग भी इसको यूज करने लगे, मतलब हीलिंग्स के अंदर जो मास्टर्स होते हैं वो वहां पर इसको सिखाया जाने लग गया, और उसको प्रैक्टिस कर करके नॉर्मल लोगों के साथ भी हम इसको हीलिंग करते हैं। मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि जैसे आप लोग तो ऑलरेडी मास्टर्स हो, लेकिन अगर आपके पास कोई बंदा हीलिंग के लिए आता है तो आप उसको इन सिंबल्स के साथ हीलिंग कर सकते हैं। इन सिंबल्स के साथ हम रेकी सिंबल्स को भी यूज करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है हीलिंग के लिए, सबसे पहले तो हम उनको चौकोरे सिंबल डाल के उनकी पूरी प्योरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी अपना करते हैं रेकी के अंदर। उसके बाद फिर हम इन सिंबल्स को यूज करते हैं। जैसा मैंने बोला कि आप जैसे अगर हम डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बोला ना इन सिंबल्स की पावर बहुत ज्यादा हाई होती है, अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो भी वो आपको नुकसान देगी, लो एनर्जी है तो भी आपको नुकसान देगी, तो चीजों को हमें बैलेंस करना चाहिए। जब हम किसी को भी हीलिंग देते हैं, जब हम किसी को हीलिंग देते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को हीलिंग देते हैं, तो हम एकदम से उसको हायर वो नहीं दे देते, एकदम से उसके ऊपर हम हाई एनर्जी वाले सिंबल्स को यूज नहीं करेंगे। पहले सिंपल सिंपल सिंबल से हम उसको हील करते हैं, उसकी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं। एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 दिन हम उसको पहले सिंपल उसको एनर्जाइज करेंगे, उसके ऑरा पे काम करेंगे, उसके ऑरा को क्लीन करेंगे। जो सिंबल्स को हम ऑरा के लिए यूज कर सकते हैं कि उनसे हम ऑरा की क्लीनिंग करें, वो सिंबल को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन सिंबल्स को हमने उनके चक्रास पर यूज करना है, वो सिंबल्स हम तभी यूज करेंगे जब हम उनको पहले 3 से 4 दिन पहले हमने उनके अच्छे से हमने पहले उनको ऑरा को क्लीन करना है। फिर जब उनका ऑरा क्लीन हो जाएगा तब हमने उनके चक्रास को एनर्जाइज करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हम ट्रेडिशनली लेवल 2 में लेवल 3 में करते हैं, है ना, वो सारे सिंबल्स को हम यूज करते हैं। लेवल 3 के लेवल 4 के सिंबल आप यूज कर सकते हैं किसी के ऊपर भी, लेकिन जब आपके 3 से 4 दिन आपने उनको हीलिंग दे दी, जब आपके टोटल मिला के जैसे आपने 4 दिन 5 दिन उनको पहले ऑरा पे काम करा, फिर 4 5 दिन उस पे काम करा,
कुल मिला के आप एक हफ्ता मान लीजिए, आप एक हफ्ते को ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि कितने दिन आपने ओरा पे काम करना है और कितने दिन आपने चक्रास पे काम करना है। उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर आप रेकी के साथ मिलाकर, हॉन्शन जैसे रन के साथ कनेक्शन अपना स्थापित करके आप इन सिंबल्स को उनके साथ यूज कर सकते हैं। और जैसे आप लोग हो, आप लोग तो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आए हो, आप लोग उन सब चीजों की प्रैक्टिस, आप इसको डायरेक्ट अपने लिए यूज कर सकते हो। क्लियर? तो 1992 से ये नॉर्मली भी हम लोग इसको यूज करने लगे हीलिंग मोडालिटीज के अंदर। ठीक है, ज्यादातर हम जो भी मैग्नीफाइड हीलिंग है, हमारा वॉलेट फ्लेम रेकी है। मैग्नीफाइड हीलिंग इज अ पावरफुल हीलिंग, वो हमारी सबसे जो हमारा ऊपर वाला जो स्तर होता है वो है। ठीक है, वॉलेट फ्लेम रेकी में हम जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज होती हैं या जो भी ईवल आई एंड दिस एंड दैट, वो हम उसको रिमूव करते हैं। प्लस हमारी हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी हम आध्यात्मिकता की ओर ही बढ़ते हैं। इसके जो सिंबल्स होते हैं वो और ज्यादा पावरफुल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा और हायर ग्रेड दिया गया है। ठीक है, नॉर्मली जब कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती, ऐसी सिचुएशन पे अगर आप मदर क्वाइनेन से प्रार्थना करते हैं तो वो लेडी बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। चाइना में ऐसा माना गया है कि अगर किसी लेडी को मदर क्वाइनेन सपने में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी गर्भ धारण करने वाली है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं रेकी के अंदर कि प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, प्रेगनेंसी होती है लेकिन किसी कारणवश मिस कैरेज हो जाता है, रुकता नहीं है। ऐसी सिचुएशन पर हम इस हीलिंग को यूज करते हैं, सबसे अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपने मदर क्वाइनिन का कोई भी फोटो लेना है या कोई भी मूर्ति लेनी है, उसके सामने आपने एक ग्लास पानी का रख देना है और आपने रोज क्वार्ट्ज जो हमारा हीलिंग क्रिस्टल होता है, आपको मालूम होगा क्रिस्टल्स के अंदर, उस रोज क्वार्ट्ज को वहां पे उनके आगे रखना है, उसको प्रोग्राम करना है। 21 टाइम्स हम इसके अंदर चैंटिंग करते हैं। दो तरह के हमारे इसके अंदर जो हमारे मंत्रास होते हैं जब हम हीलिंग करते हैं, दो तरह के मंत्रास को हम यूज करते हैं। मंत्रा मैं आपको भेज दूंगी, शायद इसमें नहीं लिखा हो। इसमें नहीं है, मैं आपको भेज दूंगी। दो मंत्रा को हम यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा मंत्र, दोनों मंत्र में से आप किसी भी एक मंत्र को यूज करते हैं। पहला हमारा है नमो क्वाइन सिम इम पूसा, नमो क्वाइन सिम इम पूसा। इसको आपने 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। सेकंड हमारा मंत्र होता है ओम मणि पद्माहु, ओम मणि पद्माहु, ओम मणि पद्माहु, ओम मणि पद्माहु। ठीक है, ओम मणि पद्माहु, ओम मणि पद्माहु, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे। ये दो हमारे ऐसे मंत्रास होते हैं। आपने क्वाइन इनका एक फोटो लगाना है या उनकी एक मूर्ति लगानी है। उनकी मूर्ति लगाने के बाद एक ग्लास पानी का वहां पे रखना है, 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और फिर उस रोज क्वार्ट्ज को 15 से 20 मिनट के लिए किसी भी लेडी के लिए जो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आए उसके सैक्रल चक्र पर आपने इसको रख देना है, या फिर वो खुद भी इसको उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई
लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अगर आपने रेकी नहीं सीखा तो आप सिंपल इस तरीके से इससे अपने हीलिंग कर सकते हैं कि आपने उनके फोटो लगाया या उनका पिक्चर रखा, उनके आगे एक ग्लास पानी रखा, एक ग्लास पानी रखने के बाद 21 बार मंथ रोज क्वाइट रखा वहां पे, रोज क्वाइट को अपने हाथ में लेकर ऐसे हाथ पे पकड़ा और जोर से बोलना है ताकि आपके जो शब्द, आपके जो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं वो आपके मंत्र बाहर, आपके मतलब मुंह से आपके बाहर के जो वाइब्रेशन के अंदर वो फैलेंगे, उस पानी के अंदर वो जाएंगे, प्लस जो आपके हाथ में एक क्रिस्टल होगा उसके अंदर आप उसमें इंटेंशन डालेंगे उस मंत्र के द्वारा, और 21 बार उसको करने के बाद फिर आपने उस रोज क्वाइट को किसी भी लेडी को जिसको भी इसकी जरूरत है, या वो खुद अपने आप भी इसको कर सकती है, अपने सैक्रल चक्र पे 15 से 20 मिनट इसको करे और लगातार 45 डेज तक इससे वो अपनी हीलिंग करे। ठीक है, अगर आप एक रेकी चैनल हैं तो आप वहां पर अपने हॉर्न छह जैसों ने इनके साथ कनेक्ट होकर रेकी, अपने जो हमारे रेकी सिंबल्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, और वो सारे आपने उनके रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्र, इन तीन चक्रस पे आपने उसको हीलिंग देनी है 45 डेज तक। ठीक है, तो वो 99%, देखिए 100% तो हम नहीं बोलेंगे बिकॉज हम भी कोई भगवान तो नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो इसलिए हम 95-99% तक की गारंटी देते हैं कि वो कंसीव कर लेगी, लेकिन उसके लिए इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पर्सन की इंटेंशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो आप कितनी भी हीलिंग कर लीजिए उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रस्ट सिस्टम कितना मजबूत है। ठीक है, इस तरीके से हम मदर क्वाइनिंग के साथ अपने कनेक्शन को, क्योंकि जब भी हमने मैग्निफाइड हीलिंग करनी है तो हमें इनके साथ अपने कनेक्शन को स्थापित करना है, और बहुत लोगों को तो बहुत इजीली कनेक्शन स्थापित होता है, बहुत जल्दी वो उस चीज को फील कर पाते हैं, लेकिन बहुत लोग उसको नहीं इजीली फील कर पाते हैं। तो जो लोग कर पाते हैं फील उनके लिए तो ठीक बात है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं फील उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उन्होंने कोई भी ऐसा एक स्थान बनाना है, या तो आपका जैसे पूजा स्थान है जहां आप ऑलरेडी पूजा करते हैं वहीं पर इनकी एक फोटो लगा लीजिए बाहर अपना, जो मंदिर से मतलब मंदिर के अंदर ही जैसे कोई दीवार के ऊपर आप उनकी फोटो लगा सकते हैं, या इनकी छोटी सी कोई मूर्ति आप उस पर सर्च करेंगे जब अमेजन वगैरह पे आपको मिल जाएगी। और अगर नहीं कुछ समझ आता तो एज इट इज इसको आप निकाल लीजिए, या गूगल पर बहुत सारी सुंदर सुंदर इनकी फोटो दे रखी है, कोई भी फोटो जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो ऐसी फोटो निकालिए और उसको फ्रेम करा लीजिए और उसको लगा लीजिए। ठीक है, डेली आपने इस मंत्र का जाप करना है, ओम मणि पद्मे हमर, ओम मणि पद्मे हमर, 21 टाइम्स आपने इस मंत्र का जाप करना है उनकी फोटो के आगे। इस फोटो को या इस मूर्ति को आप अपने मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, जो भी आपके घर की एंट्रेंस है जहां से आपका जाना आना है आप वहां पर इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के जो फायदे हैं वो ये है कि किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो आपके घर में एंटर नहीं करेगी। ठीक, क्योंकि ये जो देवी है ये करुणा की देवी है, दया की देवी है, प्रेम की देवी है, पवित्रता की देवी। ठीक है, ये एक लेडी थी, एक ह्यूमन लेडी जिन्होंने बहुत भक्ति करी और अपनी भक्ति से इनको मोक्ष मिला, लेकिन इन्होंने मोक्ष को नहीं लिया, इन्होंने बोला कि मुझे यहीं पे रह के लोगों की सेवा करनी है। तो इसलिए ये एक बहुत ही पवित्र सोल है, बहुत ही पवित्र आत्मा है, और आप जब भी इनको बुलाएंगे ये हमेशा आपके पास आएंगी। इनके अंदर एक वुमेन एनर्जी है जिसको हम पार्वती का नाम देते हैं, तो वुमेन एनर्जी के होने की वजह से ये और ज्यादा करुणा की देवी मानी गई है।
तो इसलिए आप इनको अपने मुख्य द्वार पे लगाएंगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप कोई भी फोटो लगाते हैं या कोई भी मूर्ति लगाते हैं तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो वाइब्रेशंस तो हमारे पास आती ही हैं, लेकिन वहां पे ना फिर किसी प्रकार की ना कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको रेगुलर उसको साफ करना चाहिए, ये नहीं कि आप लगा के भूल गए। आपको उनको नीट एंड क्लीन करना चाहिए, और जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, धूप अगरबत्ती दिखा सकते हैं तो वो दिखाइए, जो भी बेटर अपनी तरफ से अच्छा आप कर सकते हैं वो करिए, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना आए। ठीक है, और भी कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डस्टिंग तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ये वहां पर आप उसको लगाएं। इनका जो मुखौटा है, जो इनका चेहरा है, ये सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देता है। ठीक है, अगर किसी के घर में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं मतलब लड़ाई झगड़े इन द सेंस, लड़ाई झगड़े वैसे नहीं, मतलब नॉर्मल लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, लोग साथ में बैठते हैं, जैसे ही बैठते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें हो जाती हैं जिससे कि विचार आपस में नहीं मिलते और घर के अंदर एक तनाव का वातावरण हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप अपने घर के अपने कमरों में भी इनकी छोटी छोटी पिक्स लगा लीजिए, बड़ी बड़ी मत लगाइए, छोटी छोटी पिक्स भी लगाएंगे तो वो भी एनर्जी पूरा आपको काम करेगी। उससे क्या होगा, घर में एक शांति का माहौल बना रहेगा। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के इनके मतलब हीलिंग करते हैं तो आप वहां भी मतलब जैसे आप एक फोटो लगाते हैं, 21 बार मंत्र का जाप करते हैं और वो जो पानी होता है किसी भी बीमार व्यक्ति को पिलाते हैं, जैसे हम क्रिस्टल्स को, हम जैसे हम बताते हैं आपको कि आप क्रिस्टल्स को पानी में डाल के रखें तो उनका जो पानी का टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसी तरीके से जब आप इनकी पूजा करते हैं, इनके मंत्रों का जाप करते हैं, और अगर आप उसमें क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्रिस्टल यूज नहीं करते हैं, अगर आप सिंपल रोज क्वाइट भी यूज करते हैं या आप वो भी नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपल इनका उच्चारण करके भी अगर आप उस पानी को पियेंगे या किसी भी बीमार व्यक्ति को उस पानी को पिलाएंगे, उसको बहुत जल्दी असर होगा। इनके इस मंत्र में ही बहुत पावर है। अभी हम लोग वायलेट फ्लेम रेगी जब हम करते हैं तो हम एवरी टाइम इनके मंत्र का जाप करते हैं, और जैसे ही हम मंत्र का जाप करेंगे आप देखें कि हाथों में से एक अलग सी ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है। वैसे तो ऑलरेडी जो लोग ऑलरेडी हीलिंग्स करते रहते हैं, बहुत हीलिंग करते हैं, उनके हाथों से निकलती ही रहती है, वो थोड़ा सा भी मेडिटेशन करने बैठेंगे उनके हाथों से अच्छी पावर निकलेगी। लेकिन मैंने जो खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया कि जब हम इनके नाम के जो मंत्र का जो हम जाप करते हैं, जो हमारे जो इनके प्रॉपर जो मंत्र हैं उसको करने से बहुत अलग से शांति और एक अलग से ऊर्जा आपके हाथों से निकलेगी, जो आप भी यहाँ पर अनुभव करोगे जब हम आगे क्लासेस में ये सारा काम करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग ऑलरेडी रेकी चैनल हो, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप रेकी चैनल नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको अट्यूनमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रेकी चैनल हो तभी आपको आगे के सिंबल्स के अट्यूनमेंट्स मिलेंगे, और आप अगर रेकी चैनल हो तो आप कौनसा जैसे इनके साथ कनेक्ट होकर इन सभी सिंबल्स को यूज कर सकते हो किसी के भी ट्रीटमेंट के अंदर। मैम, मैं रेके चैनल क्या है वो, तो जो लोग रेके सीखे हैं हाँ, जो लोग रेखी सीखे हुए हैं उनको हम बोलते हैं रेखी चैनल। तो होनशा जैसुन किसके लिए यूज कर तो हाँ, मुझे पता है कि डिस्टेंस हीलिंग ले करते हैं, लेकिन आप जो सिचुएशन बता रहे हैं वो क्या है? होनशा जैसुन, जब भी हम किसी को भी हीलिंग करते हैं, जब हम किसी के साथ अपने कनेक्शन को बनाते हैं तब हम होनशा जैसुन को कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो अभी आपने कुछ कह रहा ना, तो आप कह रहे ना लाइक होनसेशन से किसको कनेक्ट करते हैं हम, दूसरों को? हाँ, दूसरों को भी कनेक्ट करते हैं, अपने आप को भी कनेक्ट करते हैं। जब हम अपने आप की भी हीलिंग करते हैं ना, सामने रखकर विजुलाइज कर तब भी हम ओके अपने आप को भी हॉन्टेड जैसे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर हम एक सोल की हीलिंग कर रहे हैं, है ना,
हाँ, लेकिन जब नॉर्मल खुद के हीलिंग करते हैं तो जरूरत नहीं है ना। अगर हम पर्सनली ऐसे करते हैं तो इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि आप उसके साथ कनेक्ट होकर ही हीलिंग करो, कौन सा जैसुमैन के साथ कनेक्ट होकर ही हीलिंग सो करो। जब हम विजुलाइज करते तो वो जो विजुलाइज उससे हम खुद को उन सजेशन से कनेक्ट करके हीलिंग करना है बस। हाँ, जब हमने विजुलाइज करना है तो अपने आप को देखना है, हम सामने बैठे हैं या कोई पिलो हाँ रखकर आप हीलिंग कर रहे हो कुछ भी चीज को, तो आपने यही विजुलाइज करना है, हॉन्सा जसुनन से कनेक्ट होकर आपने उस आत्मा की हीलिंग कर रहे हो, आप उस सोल की हीलिंग कर रहे हो ना। ओके 21 बार इस मंत्र का जाप करके फिर आप उसको हीलिंग करो। नॉर्मल अगर आप किसी और बीमारी का, मंत्रा में थोड़ा कंफ्यूजन है। ओम मणि पद्मे हम नॉर्मली बोलते हैं, आपने कहा कि ओम मणि पद्मे हूँ नहीं, हम बोले पद्मे, हम, हम बोले क्या बोला तो है ओम मैंने? मणि पद्मे हम ही हैं। हाँ यही बोला मैंने। ओके ओके जब हम इंग्लिश में लिखते हैं ना तो हम आएगा, HUM, हम। जब हम हिंदी में लिखते हैं ना तो उसमें ऊ की मात्रा भी आ जाती ओके है। अगर आप अपनी पर्सनल हीलिंग, जैसे मैंने बताया था और क्लासेस के अंदर, कि सुबह के समय में हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, सुबह का एक टाइम होता है जब हमारी कुदरत अपना समय बदलती है, उस समय में बैठ के जब हम अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं वो बहुत जल्दी हमारी पूरी होती है। तो अगर हम उस समय में बैठकर अपनी हीलिंग करते हैं पर्सनली अपने अध्यात्म शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो आप उस टाइम पर भी हीलिंग कर सकते हैं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपने आपके पास अगर रोज क्वाइट है तो बहुत अच्छी बात है। रोज क्वाइट को अपने पास अपने हाथ में पकड़िए, हॉन्चा जतुनन के साथ कनेक्ट हुए 21 टाइम्स आप इनके मंत्र का जाप करें और इसको अपने हार्ट चक्र पर, अपने हार्ट चक्र पर अपने हाथों को रखें, और अपने स्वस्थितान चक्र, अपने सैकल चक्र पर अपने हाथों को रख सकते हैं, और इससे आप अपनी हीलिंग करें। बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा, अपने अध्यात्म शक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नॉर्मल तो हम करते ही हैं हीलिंग बीमारियों के लिए, ये सब चीजों के लिए, लेकिन अगर आप सुबह के टाइम पे कोई चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे आने के बाद अगर आपको कोई चीज को मैनिफेस्ट करना है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को मैनिफेस्ट करना चाहिए, ताकि आप जो इतनी मेहनत करके जो इतनी जर्नी यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना, तो वहां तक पहुंचकर अगर आप, वहां तक पहुंचने के बाद भी अगर आप कुछ ना कुछ मांगते ही जा रहे हैं, तो फिर मतलब वो समय को आप ऐसे यूटिलाइज करें कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाएं। बाकी तो हमारे पास पूरा समय होता है कुछ ना कुछ भगवान से मांगने के लिए, और जब आपकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुदरत अपने आप आपको देती है। और अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो आप में इतना पेशेंस और इतनी समझ आ जाती है कि वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, तभी वो आपको नहीं मिलता। तो वो चीज जब आपकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ेंगी तो आप उन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, के खुद को हम रोज क्वार्ट से होम सजेशन से कनेक्ट करते हैं क्या? आपने अपने आप को रोज क्वार्ट लिया, रोज क्वार्ट को अपने हाथों में रखा, हॉन्चा जैसुनन के साथ रोज क्वार्ट के साथ आपने अपना कनेक्शन बनाया, ओके 21 बार आपने मंत्र का जाप करा, 21 बार मंत्र का जाप करने के बाद आपने उस रोज क्वार्ट्ज को अपने हार्ट चक्र पे रख लिया। हार्ट चक्र मतलब आप लेट गए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, जब आप लेटेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, है ना, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, और आपने उसको अपने हार्ट चक्र के ऊपर रखा, और आपने 15 मिनट के लिए बिल्कुल, जैसे हम बोलते हैं ना शव आसन में हम लेट जाते हैं, मतलब सांस तो आपकी चलती रहेगी, बिल्कुल शव आसन में आप लेट गए, और पूरे अध्यात्म मतलब परमात्मा के साथ अपने उस कनेक्शन को स्टार्ट। रोज क्वार्ट इसलिए क्योंकि रोज क्वार्ट हमारी जितनी भी भावात्मक, जितनी भी नेगेटिविटी, जो भी हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं उनको खींच लेता है, उनको अपने अंदर संभाल लेता है। ठीक ओके ओके है ना, तो रोज क्वार्ट को हम इसलिए मानते हैं वो, और फिर वो इनका फेवरेट क्रिस्टल भी है। ठीक है, ओके तो हम उससे इस तरीके से करते हैं। और मैंने बताया कि जो आप, अगर आपको किसी को कंसीव करना है तो वो अपने सैक्रल चक्र पे 45 डेज तक ऐसे हीलिंग करें,
अगर आप रेकी चैनल हो या वो किसी से बाहर से अपनी हीलिंग करवा रही हैं, किसी रेकी मास्टर से अपनी हीलिंग करा रही, तो वहां पे आप उनको अपने रेकी सिंबल्स भी यूज करते हैं। अगर कोई नहीं करवा सकता अपनी हीलिंग और वो रेकी चैनल भी नहीं है, तो वो सिंपल भी करें तो भी उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट जल्दी भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है, और आपको आगे के लाइंस भी मिलती हैं आपको, मतलब कोई भी व्यक्ति होगा वो आपको आगे गाइड भी करता चलता, ठीक है ना मैम। मैम ये नमो क्वान यिन मंत्र का जाप करने से जो हमारी जो सिंपल रेकी है वो मैग्निफाइड हीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं, सिंपल रेकी तो हमारी रेकी रहेगी, ये तो मैग्निफाइड हीलिंग का अपना एक मदर क्वान यिन के अपने एक मंत्र है ये, जैसे हर देवी देवताओं के अपने मंत्र होते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अपनी, जैसे हम लोग रेकी के अंदर अपनी विश चिट बनाते हैं, विश बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम हमारे सारे विश चिट बनाते हैं और हम उसको हीलिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी आप अपनी कोई भी विश चिट बना सकते हो। और यहाँ पे किसी बॉक्स की जरूरत नहीं है, आपने सीधा अपनी विश बनानी है, लिखनी है, और सीधा रोज क्वाइट लेना है और रोज क्वाइट के नीचे आपने अपनी विश को रख लेना है, और बस वहां पर अपना 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो वहां पर आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। वहां पे आपको रेगुलर हीलिंग करने के लिए प्रॉपर जो हम पूरा एक प्रोसीजर है उसको करने की जरूरत नहीं होती है, 45 डेज तक आपको वो हीलिंग करनी है। जो हम यहाँ पर अपनी जो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कर रहे हैं या हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं, हम रेगुलर उसको हीलिंग कर रहे हैं, तो हमें रेगुलर उसको फिर चार्ज भी करना है। आपने जैसे अपने हार्ट चक्र पे उसको अपना रोज क्वार्ट तो रखा, तो जब आपने उसकी 15 से 20 मिनट हीलिंग कर ली, उसके बाद आपने उस रोज क्वार्ट को चार्ज करना है। चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सिंपल इजी मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मैंने आपको बोला कि अगर आपने विश चिट के ऊपर रखना है तो विश चिट पे आप जो रखेंगे उसको आप हिलाएंगे नहीं, 45 डेज तक वो वहीं पर रखा रहेगा। तो आपने सेज अगरबत्ती आती है, सेज अगरबत्ती से आप उसको उसका मतलब उतारा करते हैं, जैसे उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, उसकी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका होता है कि आप सेज अगरबत्ती लीजिए और सेज अगरबत्ती से उसको पूरी धूमी दे दीजिए, ठीक है। या फिर आप कपूर, लौंग, इलायची, तेज पत्थर और जो काउडक होता है, काउडक लीजिए, काउडक के ऊपर आप थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिए, जैसे वो उपला होता है गाय का, उसको आपने गर्म कर लिया, मिट्टी के बर्तन में रखा, और उस उपले के ऊपर आपने तेज पत्थर रखा, तेज पत्थर के ऊपर आपने लौंग लौंग रखी, लौंग के साथ आपने वहां पर कपूर रखा। अगर आपके पास लोबान है तो आप उसमें लोबान भी रख सकते हैं, और फिर आप जब वो जो काउडक जो उपला होता है जब आप उसको जला देते हैं, उसके बाद वो ऐसे ऐसे उसमें से आती है ना धुआं आता है, वो धुएं से वो सारा आप धीरे धीरे उसमें वो जलता रहता है, तो आप उससे भी उसको हीलिंग दे सकते हैं, सॉरी मतलब उसको धुनी दे सकते हैं, ताकि वो उसकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकल जाए। और उस धुनी को आप पूरे घर में भी कर सकते हैं, और पूरे घर में करने के बाद सेंट्रल पार्ट ऑफ द हाउस उसको आप रख दीजिए। उसी तरीके से आप सेज अगरबत्ती, सेज जो होती है वो थोड़ी सी आपको जो हर्ब हर्ब आती है वो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, इंडियन वाली थोड़ी सस्ती होती है, जो कैलिफोर्निया की होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, पर उसकी बस फर्क इतना होता है कि उसमें अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, इंडियन वाले में कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती। लेकिन जो मैं आपको ये वाला उपाय बता रही हूँ काउडक वाला, ये बहुत ही मतलब उससे भी सस्ता पड़ेगा आपको, तो इससे आप अपना हीलिंग कर सॉरी धुनी दे सकते हैं पूरे घर में, पूरे घर में आप हफ्ते में एक दिन दे सकते हैं, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन इस तरीके से दे सकते हैं। बाकी आप अपने जो आप अपना जो आपने विश चिट के आगे ऊपर जो आपने अपना वो रखा है रोज क्वार्ट, वहां पर आपको हीलिंग करनी है, वो उसको धुनी देनी है, तो वहां पर आप इसको रोज थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट की धुनी मतलब धुनी जला के वहां पर रख दीजिए, वो अपने आप उससे होता जितनी भी नेगेटिविटी आएगी वो सारी उसमें से क्लीन होती जाए, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है मैम? सिंबल से भी कर सकते हैं? हाँ, सिंपल से भी कर सकते हैं, अगर आप रेकी चैनल है तो आप सिंपल से भी कर सकते हैं। हाँ जी, चक्रे से वो किया क्लींस और चार्ज,
और सेकी से बैलेंस कर दिया। हाँ कर सकते हैं आप, अगर आप एक रेकी चालन है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप हफ्ते में एक दिन धोनी जरूर दीजिए। हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी मैम चलिए। अब इसके अलावा जो भी आप अगर और ज्यादा मदर क्वाइन इनका ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, वैसे तो उनकी ब्लेसिंग हमेशा ही है पर एक अपने भाव होते हैं है ना, और ज्यादा उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके मन में उनके लिए और ज्यादा भाव उत्पन्न होते हैं तो आप उनके लिए कर सकते हैं कि आप उनकी फोटो के आगे एक छोटा सा अपना मनी बॉक्स बना सकते हैं, छोटा सा जैसे कुछ भी इस तरीके का मैंने बाउल ले लिया, ऐसा बाउल ले सकते हैं, उसमें कुछ भी रोज के 2 रुपए 1 रुपया 5 रुपए जो भी आपको रखने हैं आप उनके नाम के रख सकते हैं, मदर क्वाइनिन के नाम के, पूरे दिन के जो भी आपके आज पूरे दिन में आपके साथ जो भी अच्छे मूवमेंट्स आपने आज जो भी हुआ वो आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करिए और उनके साथ बातें करिए और उनके नाम के उसमें अपना क्वाइन रख दीजिए, इस तरीके से अपने क्वाइन उसमें रख के उन साइड में रख दीजिए। और शनिवार महीने के तीसरे शनिवार को, ठीक है, किसी भी महीने के तीसरे शनिवार को उस पैसे को निकालिए, उस पैसे को आपने पर्सनली खर्च नहीं करना है, उस पैसे को निकालिए और उस पैसे को आप किसी भी बच्चे को कॉपी पेंसिल बुक दिला सकते हैं, किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं, इससे क्या होगा और आपका जैसे मतलब अपना कनेक्शन और अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मतलब किसी के साथ जैसे मतलब हम किसी को जैसे हम अपना मानते हैं तो पूरी तरीके से हम उसको अपने आप को समर्पित करते हैं, तो और समर्पण की जो आपकी भावनाएं होती हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा कनेक्शन उनके साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ज्यादा हम अपने आप को उनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, और फिर जब हम उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांगली महसूस करना शुरू होते हैं तो फिर हमें वो दिखनी भी शुरू हो जाती है, फिर हम उनको फील भी कर पाते हैं, फिर उनकी पावर्स हमको और ज्यादा हम उनकी पावर्स को यूज कर पाते हैं। समझ आई मेरी बात? चलिए अब जैसे मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि मैग्निफाइड हीलिंग के अंदर जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्योंकि ज्यादातर देखे कोई भी कोर्स होता है या कोई भी चीज होती है सब लोग आजकल जाते हैं गूगल पे उसको सारा सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाके उसको सर्च करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मार्केट में बहुत सारी तरह की चीजें आती हैं तो लोगों ने उसको क्रिएटिव अपनी तरफ से उसमें और तरह की क्रिएशन डाल के उसको पूरा एक लेवल वो फेज 4 तक का उसको एक कोर्स को डेवलप कर दिया। यहाँ पर हम प्रॉपर अपना जो हमारे ट्रेडिशनल मैग्निफाइड हीलिंग है हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, बल्कि हम यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर कोर्स होते हैं जितने भी मैं यहाँ पर कोर्सेज करवाती हूँ मेरे सारे कोर्सेज जो हैं मनी रेकी को छोड़कर बाकी के मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे ट्रेडिशनल है। मेरे लेवल 5 तक मैं जितना भी रेकी का कोर्स करवाती हूँ वो पूरा का पूरा वही करवाती हूँ जो पूरा एक ट्रेडिशनल कोर्स होता है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद जो मेरा करुणा रेकी है, करुणा रेकी नॉर्मली आप देखेंगे 8 से 9 सिंबल आपको मिलते हैं जो कि आपके लेवल 3 और लेवल 4 के मिक्स होते हैं, उसमें कुछ सिंबल लेवल 3 के होते हैं कुछ सिंबल लेवल 4 के होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिंबल्स जो ट्रेडिशनल करुणा रेकी है वो 25 सिंबल्स जो कि हम यहाँ पे देते हैं जो ट्रेडिशनल है जिसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर वॉयलेट फ्लेम रेकी का हमने अभी कोर्स करा है वो भी हमारा पूरा ट्रेडिशनल बेस पर है, उसमें भी हमारे 40 सिंबल्स हैं जिसमें कि किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है, जैसा वो हिस्ट्री है उसकी वो वैसे का वैसा है। बाकी आप उसके अंदर आजकल आप देखेंगे उसके अंदर बहुत सारे वॉयलेट फ्लेम रेज के ऊपर या फर्क पड़ता है, ये आपका अपना बिलीफ सिस्टम होता है जहां पर हमको चीजों से फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो कोर्स अपने खुद के बनाए गए होते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे जो मैं आपको कोर्सेज करवाऊँ वो सारे ट्रेडिशनल हैं। उसी तरीके से हमारा जो मैग्निफाइड हीलिंग है वो भी पूरी तरीके से आपका ट्रेडिशनल है, उसमें किसी तरह का कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी डाला नहीं गया। जो जैसा मदर क्वाइन ने अपने मास्टर्स को दिया था उनके ध्यान के समय में उनका पूरा अटूनमेंट किया गया था, वैसे ही हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे और उसी तरीके से आपको प्रॉपर अटूनमेंट देंगे। आपको अटूनमेंट प्रोसेस आपको भी बताया जाएगा कि आपने कैसे उसको सिखाना है, कैसे सेल्फ अटूनमेंट करनी है, और यहाँ पर हम लोग भी आपको पूरे 45 सिंबल्स का अटूनमेंट देंगे, प्लस उसके अंदर हमारे 4 सिंबल्स एक्स्ट्रा होंगे जो हम आगे यूज करेंगे इसके अंदर मैग्निफाइड हीलिंग के, जो हमारी करुणा रेखी के सिंबल हैं, जैसे कि गणेश सिंबल सबसे पहला, सेकंड है हमारा वेद गंगा, थर्ड है हमारा श्री विष्णु, और जो हमारा फोर्थ सिंबल होगा वो है शिवम। ये 4 सिंबल्स का अटूनमेंट मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी उन 45 सिंबल से अलग, क्योंकि हम ये सारे सिंबल्स को यूज करेंगे। बाकी जो लोग आपने जो रेकी सीखा होगा, जो उसमें होनचा जेसुनन है, चौकुरे है, डायकोमियो है, सहेकी है, वो सब आपको ऑलरेडी आप सबको आता है, आप सब उसमें आपकी सबकी अटूनमेंट हुई है। अगर आपको किसी तरीके से कोई उनमें भी दिक्कत होगी तो आप मेरे को बताइएगा, मैं एक बार वो भी डिस्कस कर दूंगी आपको क्लास के अंदर, ठीक है। मैग्निफाइड हीलिंग में जैसे कि हमारे 45 सिंबल्स हैं, तो 45 के 45 सिंबल्स की मैं आपको अटूनमेंट दूंगी, हर एक एक सिंबल की अटूनमेंट दूंगी, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। आधे सिंबल्स उसमें, आधे सिंबल्स उसमें, आधे सिंबल्स में, क्योंकि एक साथ अगर मैं आपको 45 सिंबल्स की अटूनमेंट देना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन आपको फील हो, एक एक सिंबल आप उसको महसूस करें, उसको फील करें, इसलिए मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी। और उसके बाद वो आपका काम है कि आपको जो जो आपको अटूनमेंट्स मिलेंगी उन उन सिंबल्स को आपने उनके ऊपर आपको काम करना है, आपको उनके साथ अपने कनेक्शंस को बनाना है। अगर आप उनके साथ अपने कनेक्शंस को नहीं बनाएंगे तो फिर वो आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर आपको उनको कैसे फील करेंगे। उनको फील करने के लिए आपको उनके साथ अपने कनेक्शंस को बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, जो मेडिटेशंस हम यहाँ पर आपको करवाएंगे हर एक एक सिंबल के साथ में, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ मैं चुप रहूंगी, म्यूजिक चलेगा, और आपने सिर्फ उसको खुद से फील करना है, अपनी एनर्जी को महसूस करना है, अपनी पूरी सेंसेस को समझना है कि कौन सी सेंसेस आपकी एक्टिव है, कौन सी सेंसेस आपकी सबसे ज्यादा काम कर रही है। और अगर उस मेडिटेशन के द्वारा आपको किसी तरह का कोई थॉट आता है तो आपको उस पर रुकना नहीं है, उसको चलते रहना है, चलते रहना है उस थॉट पे, उस थॉट पर आपको ध्यान नहीं देना है, फोकस नहीं करना, और आपको स्टक नहीं होना है, बस अपने मेडिटेशन पे ध्यान देना है, अपने ध्यान को बार बार अपने मेडिटेशन के ऊपर लेकर आना है, ठीक है, क्लियर। अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछिए। मैम आपने स्टार्टिंग में क्या कहा कि हाई एनर्जी से भी इश्यूज होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ एलाबोरेट करेंगे। देखो अगर आपकी एनर्जी डाउन है तो क्या होगा, आप बीमार हो गए, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, मन में खुशी का एहसास नहीं होगा, ऐसे होगा ना। उसी तरीके से जब आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और आपको बैलेंस नहीं करना हो रहा तो क्या होगा, भाव आपने देखा है वो जो होते हैं ना हाइपर एक्टिव चाइल्ड, वैसी आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी। और उससे भी क्या होगा कि जब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बहुत हाई लेवल पे आप पहुंच जाओगे और आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। थैंक यू वानी जी। जब आप एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाओगे और आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आपका ध्यान एक जगह पे नहीं स्थिर नहीं होगा, आपका ध्यान बार बार भटकता जाएगा। तो हायर लेवल पे एनर्जी भी नुकसान देती है, लो लेवल पे एनर्जी भी नुकसान देती है, बैलेंस एनर्जी होनी चाहिए।
आप देखेंगे ना कुछ लोग बहुत, हाँ बताइए पहले आप बताइए। हाँ बैलेंस कैसे करना है? हाँ, आप पहले बताए फिर बाद में बताए कि बैलेंस कैसे करना है। हाँ। बैलेंस हम अभी आपको सिखाएंगे सारा कुछ यहाँ पर आपको सिखाएंगे, प्लस हम लोग जैसे अपना जब हम रेकी सीखते हैं तो हम लोग सहेकी की सिंबल को यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। ओके तो लोगों ने रेकी सीखा उनको मालूम है कि आप अपना सहेकी सिंबल को यूज करते हैं, हार्ट चक्र के ऊपर काम करते हैं बैलेंस करने के लिए चीजों को, भाव, क्योंकि हमारे इमोशन सारे हमारे हार्ट चक्र से आते हैं, उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा और मैं क्या कह रही थी, और मैं कुछ बात कर रही थी, हाँ मैं कहती हूँ जब हायर लेवल पे आपकी एनर्जी जब बहुत हायर लेवल पे आप देखेंगे जब बहुत बहुत लोगों की एनर्जी बहुत हाई होती है ना, तो उनसे कुछ नहीं हो रहा होता क्योंकि उनकी तो एनर्जी हाई होती है, उनको तो उस एनर्जी को खत्म करना होता है, लेकिन दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं, वो आपको जबरदस्ती उठाएंगे, जबरदस्ती आपसे काम करवाएंगे। अगर आपका बॉस है सपोज करो उसकी हाई एनर्जी है तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर डंडा देके रखेगा। मुझे समझ में, अगर मेरा एनर्जी है तो बॉस मुझे परेशान करेगा। आपकी एनर्जी नहीं, अगर बंद बॉस की एनर्जी हाई है और आपकी एनर्जी लो है तो वो आपको परेशान करेगा ना। ओके है ना, या अगर आप बॉस हैं आपके घर में मेड्स काम कर रहे हैं या आपके नीचे जो भी आपके इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप उनके सर पे डंडा देके रखोगे। ओके है ना, वेल हाँ ओके, मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट नहीं होगी। ओके घर के अंदर किसी हस्बैंड की एनर्जी बहुत हाई है और वाइफ की एनर्जी बहुत लो है, पूरे घर पूरा घन में लड़ाई। Okay. अगर वाइफ की एनर्जी बहुत हाई है हस्बैंड की एनर्जी बहुत लो है तो भी लड़ाई। Okay. बच्चों की एनर्जी बहुत हाई है, माँ बाप बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, माँ बाप परेशान दुखी होता है ना ऐसा। एक नॉर्मल बात है ये, हर मतलब अधिकतर हर एक दूसरे घर में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी। है ना, तो इसलिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, और बैलेंस करना हम अभी यहाँ पर हम मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। अगर हमें कोई भी सिंबल नहीं पता या हम अगर रेकी नहीं सीखा हमने या किसी भी तरह के हमें सिंबल्स के बारे में नहीं नॉलेज, तो हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन से हम हमारी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में भी हमारे साथ में प्रॉब्लम आ जाती है कि ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे बाकी जो हमारे जो चक्राज होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से हम मेडिटेशन नहीं कर पाते या हमारे को उसमें सिर दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है और भी बहुत सारी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर हम घूम फिर के फिर कहानी कहाँ पे आ गई, हमारे चक्राज के ऊपर आ गई। है ना, अब चक्राज को बैलेंस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई मोडालिटी के थ्रू ही उसको बैलेंस करो, आप उसको योगा के थ्रू भी बैलेंस कर सकते। कपाल भाती होता है, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती है, इन सब के थ्रू भी आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप हीलिंग मोडालिटी के अंदर हो तो ये आप समझ लो कि आपको कपाल भारती, अलोम विलोम, ये कुछ योगाज है, भ्रामरी, ये आपको करने ही चाहिए। ये आपको पूरी तरीके से आपके चक्रास को भी बैलेंस करते हैं, आपके माइंड को भी बैलेंस करते हैं और आपकी एनर्जीज को भी बैलेंस करते हैं। ओके मैंने हाई एनर्जी से कुछ प्रॉब्लम्स, मैंने क्या मुझे पता नहीं वो प्रॉब्लम है क्या है, लेकिन हाई एनर्जी जब एनी बाय एनी मींस मेडिटेशन या रेकी से जब एनर्जी बढ़ता है तो मैंने क्या देखा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी नॉर्मल चीजें करने में इंटरेस्ट आता नहीं है वो, तो अगर वो एनर्जी जल्दी कम हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, पहले वो एक चीज है, और नॉर्मल चीजें में उतना इंटरेस्ट, मतलब मुझे ऐसा आई विल फील लाइक उसी में उसी जोन में रहो, तो अगर नॉर्मल चीजें कर रहे काम या और चीजें कर रहे तो वो जल्दी उतर जाता है। और चीज है कि मैंने ये भी देखा कि अट्रैक्ट्स, मतलब कुछ अटैक्स भी होते हैं बाद में, तब नहीं होते लेकिन बाद में कुछ होता है, तो वो भी मैंने देखा है। तो हाँ हाँ होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना, तभी तो कहते हैं ना बैलेंस, बैलेंस करो, इसीलिए बोलते हैं कि आप बैलेंस करते हैं हर चीज। देखो कुदरत, कुदरत पूरी हर चीज बैलेंस होती है, अगर आप कुदरत के अलग, कुदरत से अलग जाओगे तो हमेशा जीवन में प्रॉब्लम्स फेस हो। आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो लोग लेट नाइट जागना, सुबह लेट उठना, इम्बैलेंस, ये कुदरत को इम्बैलेंस करते हैं चीजें, तो
आप देखिए लोग पहले जमाने में और आपके लोगों में बीमारियां, आजकल लोग डिप्रेशन के शिकार, एंजाइटी के शिकार, बीमारियां, जो लोग लेट नाइट सोते हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन में वो लोग रहते हैं, जो लोग सुबह लेट उठते हैं डिप्रेशन में रहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल है जो लोग रात को लेट सोएंगे वो तो सुबह लेट उठेंगे। ठीक है, आजकल लोगों के ऐसे काम भी होते हैं जहाँ पे उनको लेट नाइट काम करने होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जहाँ हम बाहर लोगों के साथ कनेक्शन करते हैं, तो बाहर के लोगों की दिन रात होती है, रात दिन होती है। तो अगर आप इंडिया में बैठ के उनके साथ में आपका काम होता है, जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों की नाइट ड्यूटीज होती है क्योंकि बाहर सारे दिन में काम होता है और वो लोग बाहर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उनको पूरी पूरी रात बैठ के काम करना पड़ता है और फिर उनको दिन में सोना होता है ना। तो लेकिन हम उस एक तरीके से आप देखिए हम कुदरत के अलग जा रहे हैं, हम कुदरत के से अलग जाके कर रहे हैं। तो नेचुरल है डिप्रेशन, एंजाइटी और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी भी तरह की बीमारियां बहुत ही कॉमन है, पर ऐसे सिचुएशन पे आप अपने आप को हीलिंग्स के माध्यम से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और आप बोलिए बोलिए। हाँ बताइए। और आपने कहा कि सिंबल्स के ऊपर मेडिटेशन करना है, वो कैसे करते हैं आप बाद में बोलो। हाँ, वो सब आपको सिखाएंगे, वो सब धीरे धीरे हम सीखेंगे। आज की क्लास में तो बस थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन ही देना था बस, और थोड़ा सा आपको बताना था कि किस तरीके से आपने उनके साथ अपने कनेक्शंस को बनाना है, प्लस एक छोटा सा आपको मेडिटेशन कराऊंगी। मेन जो हमारी क्लास शुरू होगी वो हमारी नेक्स्ट जो हमारी फ्राइडे को क्लास होगी, मेन हम वहां से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ओके, ठीक है। थैंक्स मैम। मार्केट में जो मैग्नीफाइड हीलिंग करा रहे हैं लोग, और वो तो कोई भी सिंबल नहीं कराते, सिर्फ एक अट्यूनमेंट दे देते हैं मैग्नीफाइड हीलिंग के नाम से। हाँ, तो मैंने आपको बोला ना कि सबने अपने अपने क्रिएशन बनाए हुए हैं, मैंने आपको बताया ना कि हर लोग अपना अपना क्रिएट करते हैं, अपने अपने कुछ ना कुछ न्यू चीजों को क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे सीखेंगे वो हम वही सीखेंगे जो प्रॉपर में जो है। ठीक है, हाँ जी मैम। अब इतनी आप देखिए वो लोग आपको करवाते हैं ना, आपको मेडिटेशंस करवाते होंगे, मतलब जो मेरे को मालूम है जितना मेरी नॉलेज है, मेरे को मेडिटेशंस करवाते हैं, फिर उसके बाद आपको अट्यूनमेंट देते हैं और फिर आपको बोलते हैं आप उसको प्रैक्टिस करो, है ना, कोई भी एक म्यूजिक लगाओ, प्रैक्टिस करो, ध्यान लगाओ, बेसिकली यही होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ, बस यही होता है। और वो अच्छी खासी उसके चार्ज भी करते हैं, है ना। बिल्कुल, यहाँ पर भी हमने वो करना है, यहाँ भी हम मेडिटेशंस करेंगे, ध्यान लगाएंगे, पर हम सिंबल्स के साथ वो काम करेंगे। जब हम सिंबल्स के साथ वो काम करेंगे तो हम सिंबल्स की एनर्जी को भी रिसीव करेंगे ना। अब हमने आपको अट्यूनमेंट दे दिया, ठीक है, आपकी बॉडी अट्यून हो गई, लेकिन आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप किसी और को कैसे सिखाओगे? जब आपको ही नहीं पता तो आप किसी और को अट्यूनमेंट कैसे दोगे? हाँ जी हाँ, तो यहाँ भी हम सिंबल्स के साथ हम प्रॉपर आपको एक एक सिंबल को बताएंगे, आप उसके साथ आपको अट्यूनमेंट कराएंगे, उन सिंबल्स का मतलब आपको पता होगा, आप उनके साथ आपका कनेक्शन बनेगा, तो आप उनको अच्छे से आप उनको फील कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, उनको जान पाएंगे, है ना। जैसे कहते हैं ना, हमारा एक बच्चा होता है, हमारा एक अपना खुद का बच्चा होता है जिसको हमने जन्म दिया है, या हमारे परिवार में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको हमने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, उसके साथ हमारा एक कनेक्शन। और ऐसे अगर आप चले जाएं कहीं पर भी बाहर, ऐसे बहुत सारे ऑफन्स होते हैं, वहां भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, या आप ऐसे कहीं गली मोहल्ले में कहीं मंदिरों के पास बैठे बच्चे होते हैं, वहां भी आप जाके कुछ कुछ दान पुण्य करके आते हैं, लेकिन आपको उनके साथ उतना कनेक्शन तो नहीं होता ना। जो कनेक्शन आपका खुद के बच्चे के साथ होता है जिसको आपने इस दुनिया में लेकर आए हो, या जो आपका अपना बहुत ही करीब है जिसको आपने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, जो कनेक्शन आप उसके साथ अपना बनाओगे वो कनेक्शन उनके साथ तो नहीं बना सकते ना। बना सकते हैं? तो यस और नो? हाँ, नहीं मैम, नहीं बना, है ना। तो हम हमारे बच्चों के साथ में कनेक्शन बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनको महसूस करते हैं, हम उनको फील करते हैं, हम उनको पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम उनको बड़ा करते हैं उनके साथ। उसी तरीके से हम अपने सिंबल्स के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं, है ना।
इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि जब किसी घर में किसी की शादी होती है, किसी लड़के की शादी होती है और उनके घर में कोई बहू आती है, तो बहू के साथ कनेक्शन बनाने में भी आपको बहुत समय लगता है। या आपका कोई बेटी का हस्बैंड होता है, दामाद होता है, उसके साथ कनेक्शन बनाने में भी आपको समय लगता है। जितना प्रेम आप अपनी बेटी से करोगे उतना प्रेम दामाद से काफी समय के बाद होता है। जितना प्रेम हम अपने बेटे से करते हो उतना प्रेम बहू के साथ कुछ समय बिताने के बाद होता है ना, राइट और नॉट? हाँ हाँ जी मैम। हाँ तो बस वही बात होती है, बस कनेक्शन को बनाने की बात होती है। तो इसीलिए हम एक एक सिंबल को जानेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, उनके साथ अपने कनेक्शन को बनाएंगे। और फिर हम जब हमें किसी और को हीलिंग देनी है या किसी और को हमने अट्यूनमेंट देना है तो फिर हम उसको इजीली दे सकते हैं। प्लस वो सिंबल्स हमारे हीलिंग में भी काम आएंगे, हमारे अपने पर्सनल हीलिंग के लिए भी काम आएंगे, हमारे अपने चपरास के लिए भी काम आएंगे, प्लस हम जब किसी और को हीलिंग देंगे तो भी वो काम आएंगे। ठीक है, क्लियर मेरा पॉइंट? यस मैम। चलिए चलिए अब हम स्टार्ट करें अपना मेडिटेशन।